सोलन की चिल्ड्रन पार्क पर हिमाचल सरकार कब देगी ध्यान? हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहर सोलन की चिल्ड्रन पार्क, जो कि डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के करीब नजदीकी माल रोड पर स्थित है, इस पार्क में कूड़ा करकट पाने के लिए कहीं भी कोई डस्टबिन नहीं दिखाई दिया। दूसरी तरफ समय समय पर मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा रखे गए नींव पत्थर का प्लेटफॉर्म स्थान स्थान से टूटा हुआ है। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए जहां झूले लगाए हुए हैं, वहां भी आसपास भंग बूटी की भरमार दिखाई दे रही है। यहां तक कि शाम के समय नशेड़ी तत्व अपनी लत पूरी करने के लिए यहां डेरे लगाकर बैठे रहते हैं। अगर नगर काउंसिल सोलन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में पार्क की हालत और खराब हो जाएगी और सैलानी ना चाहते हुए भी सीधे शिमले की ओर रवाना होंगे। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब मतलब डस्टबिन बनाए, कूड़ादान है, लोग कूड़ादान में नहीं डालते हैं कूड़ा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कूड़ादान में ही कूड़ा डालें। लोग सड़कों पे ही मतलब हर कहीं फेंक देते हैं कूड़ा, तो मैं चाहती हूँ कि वो सड़कों पे ना फेंके, हर कहीं रास्ते में ना फेंके और कूड़ादान में ही कूड़ा डालें। यहाँ पे थोड़ी अच्छी सफाई हुई थी जब स्टार्टिंग में बनाया गया था, उसके बाद यहाँ पे जैसे पब्लिक या हम लोग जैसे लोग घूमने हुए आते हैं टूरिस्ट, तो कुछ यूज करते हैं खाने होने के लिए, तो जहाँ नहीं वहाँ ये फेंक देते हैं, डस्टबिन का यूज नहीं करते हैं। प्लस जो यहाँ पे बनी हुई चीज़ें हैं उसे कुछ लोग नुकसान पहुँचाते, तोड़ देते हैं। इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा मतलब खराबी हो गई है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या जो एक खरपतवार आ रही है, घास आ रही है, इसका लोग यहाँ पे सफाई नहीं कर रहे हैं। जो बेचारे गाँव जाए, जो भी खाने पीने का है, रैपर वगैरह है, कोई चने खाते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो मोमो वगैरह खाकर खाली प्लेट्स होती हैं, इधर उधर डालते हैं लोग। तो ये है कि अभी यहाँ डस्टबिन कम से कम दो डस्टबिन होने चाहिए, एक नीचे और एक ऊपर, ताकि लोग जो है प्रॉपर उसमें अपना कचरा वगैरह डालें, ताकि पार्क में सफाई ठीक ढंग से रहे और गंदगी बना फैले। नहीं तो अगर गंदगी फैलेगी तो मच्छर होंगे, तो लोगों को तंग करेंगे, बैठने के लिए दिखाती है। और यहाँ पर बैठने के लिए बेंच वगैरह किया और ज़्यादा प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि शाम के टाइम सीनियर सिटीजन वो लेडीज आप काफ़ी सारी आती हैं, तो उनको भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, उस पर कई लोग बैठे रहते हैं, तो इसलिए बेंचों का भी और अधिक प्रावधान किया जाना चाहिए।